किया है या वापस देखना आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेशन को। गाइज कुछ कुछ स्क्रीन वगैरह प्रॉपर दिख रही है सब लोग को? स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है सब कुछ। देखो वो क्राइटेरिया अब तक आया नहीं है, सीबीएसई को कैसे मार्क्स मिलेंगे वो सब क्राइटेरिया आया नहीं है। जो भी होगा, देखो अभी जो भी होगा सिचुएशन यहाँ पे, ओके वो आपका लंकेश सर आपका स्क्रीन मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है शायद से, तो मैं पैनलिस्ट से आपको वो कर दूं? नहीं ओके सर, चेक कर दो। हाँ सिर्फ आप एक बार, हाँ एक बार सब जस्ट एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लो सारे इनका, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एक मिनट जस्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है एक मिनट गाइस, मैंने आप मैंने भी एक सेफ्टी के लिए मैंने भी सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए, एक मिनट। अभी मुझे लगता है कि अभी कोई स्क्रीन का प्रॉब्लम है गाइस? अभी कोई स्क्रीन का प्रॉब्लम शायद नहीं है। ठीक है ठीक है, सो गाइस तो यहाँ पे देख लो, तो जैसे मैंने आपको बोला कि टेंथ का जो मार्क्स होता है, टेंथ का मार्क्स, अभी थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम लोग। देखो टेंथ का मार्क्स कहाँ तक काम में आता है, ठीक है, ये पहले आपको पता होना जरूरी है। टेंथ के मार्क्स सिर्फ इलेवंथ में एडमिशन लेने में काम में आता है, लेकिन मुझे बताओ इलेवंथ का एडमिशन कौन करेगा आपका? हम लोग करेंगे। आपको जो भी कॉलेज चाहिए, जिस कॉलेज में टाइप होता है, तो इलेवन ट्वेल्थ वाला जो कल्चर होता है ना वो जा चुका है। क्यों जा चुका है? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ चुके हैं, जेडब्ल्यू आ चुका है, नीट आ चुका है, सीट आ चुका है। इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के वजह से अब कोई भी 11, 12 के मतलब 11, 10 के मार्क्स के बेसिस पे 11 में एडमिशन मिलना, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए 11, 12 में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 11, 12 का कॉलेज मैटर नहीं करता। कौन सा मैटर करता है? 12 के बाद आप कहाँ पे जाते हो, तो ध्यान में रखना है दिमाग में कि 12 के बाद आप कहाँ पे जा रहे हैं सबसे ज्यादा मैटर करेगा। कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आर्किटेक्चर बन रहा है, कोई कुछ और बन रहा है, राइट? तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अपने पास सिर्फ 2 साल है। ये 2 साल का पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं बोलूंगा गाइस, जिसको मैं बोलूंगा 11th 12th की पढ़ाई, 11th and 12th की जो आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है। और खास करके देखो जो लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स में कंफ्यूज होते हैं, उनको मैंने हमेशा बोला है क्या लेना है 11th 12th में, साइंस, हमेशा हमेशा। तो 11th 12th की साइंस की पढ़ाई, ठीक है, 11th 12th के साइंस के पढ़ाई में क्या होता है, ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ लोग मैथ लेते हैं, कुछ लोग बायो लेते हैं, ठीक है, वो तो आपकी पर्सनल काउंसलिंग होगी, वो तो आपकी पर्सनल काउंसलिंग होगी, किसको मैथ लेना है, किसको बायो लेना है। कुछ लोग ऐसे होते कि दोनों लेने होते हैं, मैथ्स एंड बायो दोनों लेते हैं, ठीक है, तो अलग 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 टाइप के लोग मिलते हैं, लेकिन जनरली ये 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं जिन के बेसिस के ऊपर सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, बस। अब आपको पता है सबसे तकलीफ देने वाला सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? सबसे तकलीफ, कोई बोल सकता है चैट पे लिखो गाइस, सबसे तकलीफ कौन दे सकते हैं इसमें? लिखो लिखो, कुछ अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे, ठीक है। अरे कुछ लोगों ने अलग बोला केम, कुछ लोग ने बोला मैथ, उन्होंने बोला फिजिक्स, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूं, देखो 2 चीजें जो होती हैं, आपने JEE एंड नीट, ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि JEE एंड नीट में एक ही सब्जेक्ट जो कॉमन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कॉमन है, सबसे ज्यादा तकलीफ देता है फिजिक्स, ठीक है। और JEE एडवांस में, और सपोज जिसको IIT ड्रीम है,
उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है फिजिक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी गाइस हम संभाल लेंगे, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हम संभाल लेंगे और आपको मार्क्स आने ही वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल नहीं होता, राइट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, लेकिन फिजिक्स मैथ्स बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है, ठीक है। अब अपन एक काम करेंगे, पहले तकलीफ को दूर करेंगे, मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स। आपको पता है, मैंने आपको एकदम सिंपल सी अपनी जो काउंसलिंग हुई थी, राइट, आप लोग मेरे शायद से काउंसलिंग वगैरह में बैठे होंगे, कुछ लोग नहीं बैठे होंगे, ठीक है। मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पे ऐसे है कि जो एक बार सब मुझे जानने के लिए, जिन्होंने मेरा वो लेक्चर था ना हीट और लाइट वाला, लाइट वाला लेक्चर था, पता है मैंने लाइट का लेक्चर लिया था, हेलीकॉप्टर उड़ाया था, याद है, वो लेक्चर नहीं बैठे, नहीं बैठे हैंड रेज कर लो, वो मेरे लेक्चर नहीं बैठे हैंड रेज कर लो, जो लोग मेरा लेक्चर वो नहीं बैठे, मैं वो नहीं, मैं देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बैठे, तो नहीं बैठे हुए लोग ने हैंड रेज करना, ओके, नहीं बैठे हुए लोगों ने हैंड रेज करना गाइस, जिन्होंने मेरा वो लेक्चर जो पहला वाला जो लेक्चर था, एक दो लेक्चर थे, वो नहीं बैठे हैं, ठीक है, इन लोग को हैंड रेज करना है, ठीक है। एक मिनट रुको, आप लोग हैंड ऐसे ही रखो, ठीक है, आपका हैंड रेज भी रखो, क्योंकि आपको एक सेपरेटली अलग से लेक्चर मेरा बाद में दिया जाएगा, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी, आपको एक सेपरेटली लेक्चर दिया जाएगा। पहले आपको एक काम करना है गाइस, जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है ना, जो लोग ने मेरा वो लेक्चर बैठे नहीं है गाइज, वो मेरा लेक्चर हेलीकॉप्टर वाला और वो लाइट वाला वगैरह लेक्चर जो नहीं बैठे, फटाफट एक काम करना है, सब लोग फटाफट एक काम करना है, सब लोग यहाँ पे देखो, आपका चैट बॉक्स में आपका नाम, ठीक है, आपका नाम, मतलब नेम वगैरह लिखो, आप डायरेक्टली आपका नाम लिखो, और नीचे, और नीचे मोबाइल नंबर लिखो, व्हाट्सएप नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर डालो, ठीक है, आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर, बस इतना ये चीज आपको फटाफट अभी डालना है, फटाफट अभी डालना है, आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर। जिन लोगों ने मेरे वो लेक्चर नहीं किया, आपको सेपरेटली, एक कोर्स अपना अलग चलता रहेगा, आपको सेपरेटली आपको बेसिकली वो करना पड़ेगा, प्लीज डालो। मैं आपको 3 से 4 मिनट, एक अराउंड 4 से 5 मिनट देता हूं, मतलब सब लोग डालेंगे, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स जो होता है ना गाइस, फिजिक्स एंड मैथ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स लाइक जेई, नीट, ठीक है, नाटा, सीईटी, सारे एग्जाम्स, इन एग्जाम्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो बेसिकली मल्टीपल चॉइस होते हैं। लेकिन आपने सपोज इन एग्जाम्स के अंदर अच्छा, मतलब इन एग्जाम्स के अंदर अच्छा करना है और आपने फिजिक्स मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ा है, इवन केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हम करेंगे, सब करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पूरी की पूरी टीम है, लेकिन सबसे ज्यादा पहले आपको फोकस जो करना है नेक्स्ट 2 मंथ्स, आगे के जो 2 महीने हैं, आपको फोकस करना है फिजिक्स एंड मैथ्स के ऊपर, ठीक है। लोग आपका नंबर डालते रहो गाइस, ठीक है, आप नंबर डालते रहो, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, अब क्या होने वाला है, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो एसएससी वाला हूँ, जैसे मैंने बोला कि सर मेरे को ना जून में, शायद से ऐसा हो सकता है कि मैं जून में जब एग्जाम होगी मेरी एसएससी की तो मैं दूंगा। आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको एग्जाम देनी है एसएससी की, ठीक है गाइज, मैं आपको सबके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप एसएससी में हो, देखो सीबीएसई का वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई वाले तो एग्जाम कैंसिल हो चुके, तो आपको तो पढ़ना ही है डायरेक्ट। जिन लोग का एसएससी वाले बच्चों को क्या करेंगे पता है, हम लोग अप्रैल, अब आज अप्रैल 19th है, तो अप्रैल 19th से लेके मई 20th तक आपको पढ़ना, ठीक है। उसके अंदर गवर्नमेंट का डिसीजन आता है अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि एसएससी के एग्जाम कैंसिल हो रही है, या जो भी डिसीजन सपोज आता है, तो कोई डरने की बात ही नहीं है, फिर तो जैसे है वैसे करेंगे। लेकिन डिसीजन नहीं आता तो अप्रैल 19 टू मई 20th हम लोग ये रन कर रहे फाउंडेशन कोर्स, तो इस फाउंडेशन कोर्स को आपको अटेंड करना, ठीक है। तो इसको मैं, इसका नाम दूंगा मैं फाउंडेशन कोर्स, और आज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे गाइस। फाउंडेशन कोर्स का आज पहला लेक्चर है गाइस, पहला लेक्चर है, मैं आपको टेस्ट करने वाला हूँ, मैं आपको चेक करने वाला हूँ कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं, आपको कुछ आता भी है या नहीं आता, उसके हिसाब से आपके बेसिक के मैथ लेक्चर सब कुछ हम लोग रखेंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो एक अराउंड, मतलब ऐसा पकड़ लो अभी 12:20 अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है ना, लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, तो अपना लेक्चर एक अराउंड जाएगा 145 तक अपना लेक्चर जाएगा, ठीक है, 145 तक जाएगा गाइस। अपने जो इनिशियल कुछ लेक्चर्स है, अभी ये जो लेक्चर्स है, फीस वगैरह का आप मत सोचो, ठीक है, पहले आप सिर्फ पढ़ो, समझो,
और उसके बाद जैसे ही हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगने लगे, कंफर्टेबल आप हो गए, देखो कंफर्टेबल होना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये जो कोर्स है, अभी के लिए जो हम लोग अभी ये कुछ टाइम के लिए किसी हर एक चीज फ्री है, टेंशन मत लो, ठीक है, पैसा वैसा कुछ सोचो मत, सिर्फ ज्ञान लो, ठीक है, ठीक है गाइस, एकदम टेंशन मत लो। तो जैसे मैंने आपको बोला, फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, फिजिक्स एंड मैथ फाउंडेशन, ठीक है। कुछ लोग का मैथ बहुत ही वीक है, उनके लिए मैथ बेसिक्स लेक्चर्स जो आज मुझे पता चल जाएगा, मैथ बेसिक लेक्चर्स जो भी आपको अलग से करने पड़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है, क्यों रख रहे हैं हम लोग ये सब, सिंपल है, जेई नीट, आपको पता है जेई नीट जैसे एग्जाम और सीईटी जैसे एग्जाम कितने लोग देते हैं इंडिया में, 15 लाख लोग, देखो 15 लाख लोग देते हैं, 15 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स को अपीयर करते हैं, 15 लाख लोगों में से, आपको पता है, आपको एक चीज पता है, कितने लोग 15 लाख लोगों में से सक्सेसफुल होते हैं या वो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं, कितने लोग, बहुत ही कम, 50,000 गाइस, 50,000, मुझे बताओ 15 लाख में से सिर्फ 50,000 लोगों को अच्छे कॉलेज में, 50,000 मतलब मैं सिर्फ IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, IITs, NITs, BEED, फिर एम्स, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सब मिला के 50,000, आपको पता है 14.5 लाख लोगों को वो एडमिशन नहीं मिलता, 14.5 लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, आपको पता है, यहाँ पे अपने क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चे को एडमिशन इन 50,000 में तुम आ सकते हो आराम से, जो हम बोलते हैं वो फॉलो करो, आपका ये एडमिशन कंफर्म है, आपको आना ही है, लेकिन जो हम बोलेंगे उसको फॉलो करते रहना है। और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी, अब आतिफ सर मिलेंगे आप लोग, मैथ के केमिस्ट्री के सर को मिलेंगे, बायोलॉजी के सर को मिलेंगे, देखो जो जिस तरीके से वो आपको गाइड करेंगे, जिस तरीके से वो आपको पढ़ाएंगे, बस पढ़ते रहो, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमारी पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी सी यूनिक है, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ लोगों ने मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस किया है, राइट, क्योंकि मेरे पहले लेक्चर में बैठे हैं ना आप लोग, जिन लोगों ने अभी हैंड रेज किया वो लोग नहीं बैठे, तो उनके लिए हम लोग लेक्चर रखने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम ये चैट बॉक्स में डालना है, ठीक है। जिन्होंने हैंड रेज किया था ना, जो लोग मेरे लेक्चर में बैठे नहीं थे, ठीक है, उन लोग की बात कर रहा हूं मैं, उन लोग को मेरा बेसिकली आपको वो लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, अलग से अपना एक लेक्चर हम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स अलग है, फाउंडेशन कोर्स पूरा का पूरा अलग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन कोर्स। आपने मोस्ट प्रोबेबली आपने आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा, होप, ठीक है, होपफुली लिखा होगा, सब लोगों ने लिखा तो है, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिखा है फटाफट एक मिनट का टाइम देता हूं मैं, एक मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम और मोबाइल नंबर डालो फटाफट, ठीक है। गाइज आपका जो, देखो अब मैं आपको बताऊँ लोग लेक्चर्स कैसे होंगे, आपके लेक्चर्स का स्केड्यूल कैसे होगा, जैसे ये वीक आपको वीकली स्केड्यूल मिलेगा, गाइज आपको वीकली स्केड्यूल मिलेगा, ठीक है, वीकली आपको स्केड्यूल मिलने वाला है, जैसे आज मंडे है, तो आज लेक्चर है मंडे को है, आपका लेक्चर ट्यूजडे को है, ठीक है, मंडे ट्यूजडे वेनसडे को हम लोग आपको ब्रेक देंगे, आपका लेक्चर थर्सडे को है, तो ये तीन लेक्चर तो आपके कंफर्म है इस बार, ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे भी होगा, फ्राइडे एंड सैटरडे रखेंगे, फ्राइडे सैटरडे, पहले मंडे ट्यूजडे एंड थर्सडे, मतलब 19th, 20th and 21st, इसको तो आपका वो टाइम है, और टाइम तो सेम है जो यहाँ अभी आज का, अभी का जो टाइम है वही टाइम आपका रहेगा,
ठीक है, 12 to 1:30 PM जनरली. आज का फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए मैंने एक 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया, तो अपना 20-25 मिनट चले गए, तो आज मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा टिल 1:45. जनरली अपना 1.5 आवर का, 1.5 आवर्स का लेक्चर रहेगा. 1.5 आवर्स. गाइस मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम 4 लेक्चर होंगे, फ्राइडे को भी सपोज होगा, तो एक बात बताओ 22, ठीक है. तो मुझे एक बात बताओ गाइस, यार हफ्ते में आप 5 घंटा नहीं डाल सकते, 5 आवर्स आप नहीं डाल सकते. मुझे पता है आपने बोर्ड का पढ़ाई किया है, आपको ब्रेक चाहिए हमको, अरे फटाफट आपने सर क्या चालू किया. देखो गाइस, आपको सपोर्ट टॉपर बनना है, आपको बाकी लोगों से अलग करना है. देखो 10th तक ने जो भी आपने पढ़ाना कोई नहीं पूछेगा, गया वो, छोड़ दो उसको, ठीक है. 10th तक कोई कंसेप्चुअली पढ़ता भी नहीं है. आगे जो हम लोग को पढ़ना है, आपने सपोज इस 11th 12th में अच्छा किया, तो जिस बच्चे को 70-80% भी 10th में आ रहा है ना, वो भी टॉप कर सकता है, और वो भी अच्छे कॉलेज में जा सकता है, और वो भी एक अलग लेवल पे जा सकता है, बाद में एक सक्सेसफुल आदमी बन सकता है. और सक्सेसफुल आदमी का मतलब क्या होता है पता है? अरे भाई इतना अच्छा लाइफ जियोगे ना आप लोग, बाद में मैं आपको मेरी बाद में स्टोरी बताऊंगा, ठीक है गाइस. मैं स्टोरी बताऊंगा बाद में, अभी नहीं है, पहला लेक्चर, स्टोरी बताऊंगा मैं, ठीक है. चलो तो लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं. सब लोग ने ऑलमोस्ट अपना नंबर दे दिया है, ठीक है गाइज. जो लोग ने मेरे पहले वो 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए, 1-2 लेक्चर मैंने पहले लिए हुए, ठीक है. मेरे 3 टाइप के लेक्चर चलते हैं जनरली. मेरा नाम मैं लिख देता हूं, आई एम गौरव सावे, ठीक है. गौरव सावे औरंगाबाद से भी अपना काफी अच्छा खासा रिश्ता है, आपको पता ही होगा, ठीक है. जो लोग औरंगाबाद से, आपको पता है औरंगाबाद के आजू बाजू से, उनको भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि सावे फैमिली वहां पे ऑलरेडी है. नासिक तो एकदम मुंबई के नजदीक है गाइज. हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इन लेक्चर का एकमेव, ठीक है, हमारा बेसिकली एम ये है कि यहाँ पे हर एक बच्चा जो एकदम पहले से स्टार्ट कर रहा है, देखो अब तक कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, अपने हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे बाकी लोगों से. तो पढ़ाई छोड़ो मत, प्रॉपरली अपना बुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है. अब मैं आपको एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, ठीक है. पूरी की पूरी टीम इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है, अलग अलग लेक्चर्स आपके होते रहेंगे, लेकिन इनिशियल 2-3 लेक्चर्स मेरे होते हैं, क्योंकि मुझे फिजिक्स में करना है. फिजिक्स में 3 टाइप की चीजें होती है, जैसे मैंने आपको एकदम पहले, कुछ लोगों ने मेरा जो लेक्चर अटेंड किया था, फिजिक्स में 3 चीजें होती है. कौन सी? इमेजिनेशन, ठीक है, आपका इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. जो अभी आपका नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे, ठीक है. इमेजिनेशन के बाद, जैसे इमेजिनेशन हो गया, उसके बाद हमारा होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट का एप्लीकेशन. तो जिन लोगों ने अब तक मेरे ये इनके ऊपर में 2 लेक्चर लेता हूं, राइट, बहुत सारे लोगों ने लेक्चर अटेंड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है. हीट का मैंने बताया था, मैंने आपको एक बताया था ना लेक्चर में, मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपको, प्लास्टिक बॉटल में कैन यू बॉइल वाटर, कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन थे. हेलीकॉप्टर का क्वेश्चन किया था अपन ने, अपन ने लाइट का क्वेश्चन किया था, वो सब किसके ऊपर थे? इमेजिन कंसेप्ट. जिन्होंने नहीं किया उनके लेक्चर होंगे, टेंशन मत लो, वो अलग से लेंगे अपन, ठीक है. और मैंने एक चीज बोली थी, तीसरी मेथड, याद है आपको? तीसरी चीज मैंने बोली, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए थे, मैंने बोली थी मेथड, ठीक है. मैंने बोला मेथड का लेक्चर मैं बाद में लूंगा, ठीक है. तो अपना पूरा का पूरा जो फाउंडेशन कोर्स है, पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स है, इसके ऊपर रहेगा, मेथड एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन, ठीक है. आपको समझ में आएगा कैसे. अब सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, जैसे मैंने बोला मैं क्या पढ़ाता हूं, फिजिक्स, मैथ अलग टॉपिक है, बट अभी आज से हम, मैं फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूं मैथ. आपको पता है फिजिक्स को अच्छा समझने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? देख फिजिक्स का आप कंसेप्ट तो समझ जाओगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैथ. फिजिक्स को अच्छा समझना है आपको ना, तो आपको मैथ चाहिए. नहीं, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं अभी फिजिक्स में भी क्या पढ़ाने वाला हूं, पहले मैथ. तो ध्यान में रखना, पूरा फाउंडेशन कोर्स मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन फिजिक्स में 2 चैप्टर्स होते हैं. एक चैप्टर का नाम होता है स्केलर एंड वेक्टर. सुना है कि इस टॉपिक का नाम आपने कभी? स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है.
तो स्केलर एंड वेक्टर और सेकंड चैप्टर होता है गाइस कैलकुलस। किसी ने सुना कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस आपने बोला बहुत बड़ा सा बकवास सा चीज है, ठीक है। कैलकुलस में यस डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऐसा सिंबल भी आएगा, कुछ कुछ ऐसा कुछ कुछ सिंबल आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर डेरिवेटिव सम डी वाई बाई डी एक्स, ये सब होता है कैलकुलस में। तो कैलकुलस एंड स्केलर वेक्टर ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, फिजिक्स में। तो मतलब मैं बेसिकली फिजिक्स में भी क्या पढ़ाने वाला हूं, मैथ्स। तो नेक्स्ट वन वन एंड हाफ मंथ, तो नेक्स्ट 1.5 मंथ में क्या पढ़ाने वाला हूं, सो गाइस आई एम गोइंग टू टीच मैथ्स, ठीक है। बट दिस मैथ इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए इस मैथ का बहुत ही ज्यादा रोल है, ये मैथ आपको समझना चाहिए। ये मैथ नहीं आएगा तो आपको फिजिक्स समझेगा नहीं। जैसे मैंने आपको बोला फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कितने थिंग, थ्री थिंग्स, इमेजिनेशन, कंसेप्ट एप्लीकेशन, जिसके ऊपर मेरे दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं किए उनको लिंक मिल जाएगा क्योंकि आपने नंबर शेयर किया है। तो हम लोग अलग से लेक्चर रखेंगे कल या परसों में, ठीक है गाइस। और तीसरा चीज जो होगा दैट इज मेथड, तो आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्केलर एंड वेक्टर। उसके पहले मैं कुछ बुक्स आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ बुक्स गाइस, कुछ बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वो बुक्स का आपको बाद में लेनी है, ठीक है। किसी को पता है कौन सी फिजिक्स में बुक्स आती है? हर एक प्रोफेसर अपना अपना बुक बताएगा, लेकिन कौन सी बुक्स होती है फिजिक्स में आपको पता है क्या? मैं जैसे आपका चेक कर रहा हूँ, जेई नीट एंड सीईटी के लिए कौन सी बुक यूज करते हैं, किसी को पता है? बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ लोगों ने यहाँ पे यस यस यस, मतलब लोगों को आइडिया है, लोगों को आइडिया है, ठीक है, गुड। जैसे यहाँ पे लोगों ने लिखना चालू किया, ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं, आपको अभी खरीदना नहीं है, अभी खरीदना नहीं है, खरीदना आपको एक दो हफ्ते, एक हफ्ते के बाद है, ठीक है, खरीदना आपको एक हफ्ते के बाद है। बुक्स में सबसे, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है एच सी वर्मा, अपनी बाइबल है। एच सी वर्मा का हर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, हर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे एच सी वर्मा, ठीक है। उसके बाद डी सी पांडे, ये फिजिक्स की बुक्स है। मैं दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसा करके बुक आएगा, ये ऐसे अलग 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 आएंगे, इसको बोलते हैं डीसी पांडे। इसका ऑथर का नाम देखो क्या है, डीसी पांडे, ठीक है। 11th and 12th दोनों के लिए, 11th and 12th दोनों के लिए डीसी पांडे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बुक है, कौन सा बुक का नाम क्या है, एच सी वर्मा, ठीक है। तो अभी मत मंगाओ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मत मंगाओ, मैं तेरे को बाद में बताऊ। फिर उसके बाद आपको हमारे मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, देखो हमारे मॉड्यूल्स है ऐसे, फिजिक्स का मॉड्यूल है, केमिस्ट्री का मॉड्यूल है, ऐसे मॉड्यूल्स भी आपको मिलेंगे, ये मॉड्यूल्स भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बाद में, ये मॉड्यूल्स है देखो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ये तो क्लास के मॉड्यूल्स है, तो ये अलग सी चीज है, ठीक है। एमटीजी थोड़ी सी लोअर लेवल की बुक है गाइस, पहले अपन क्या करेंगे एच सी वर्मा मॉड्यूल, उसके ऊपर जब कब्जा जमाएंगे तो एमटीजी, फिर उसके बाद और दो तीन बुक्स होती है टारगेट वगैरह, वो ऐसे ही हो जाएंगे, वो ऐसे ही हो जाएगा, ये मास्टर क्लास के मॉड्यूल है, ठीक है गाइस। तो ये सब कुछ मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं एक दो बुक और बताता हूं जो बहुत ही डेंजरस है, बहुत छोटी बुक है वो, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। कोई नाम बोल सकते हैं? जस्ट दिखाने के लिए, मैं जस्ट दिखाने के लिए दिखा रहा हूं आपको। देखो यहां पे ये एक बुक जिसका नाम है आईई यूरोडो, आईई यूरोडो, ठीक है, ये आईई यूरोडो बुक है। और देखो इतना सा बुक है, देखो कितना सा बुक है, लेकिन ये सबसे सबसे टफ बुक, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स है ना गाइस, इसके ऊपर के अंदर के न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने को एक एक दिन भी जाता है हमारा, हमारे लिए भी, इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो ये आपको खरीदनी नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आई रोड ऑफ, जिसको जिसको आईआईटी करना है, ठीक है, जिसको आईआईटी करना है आईआईटी, तो ये दो बुक्स करेंगे, जिसको आईआईटी में घुसना है उसके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, बाकी के लोगों के लिए नहीं, जिसको आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी में जाना है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उनके लिए दो बुक्स होती है, जो हम लोग बाद में वापस आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। लेकिन मुझे बताओ, ये इतने सारे बुक्स बताए, मुझे बताओ बुक्स सारे लोग के पास है इंडिया में? भाई आप कोई भी क्लास में जाओ ना, आपके औरंगाबाद में, नासिक में, कहीं पे भी जाओ आप, या फिर यूपी में जाओ, राजस्थान में जाओ, कोटा में जाओ, सबके पास सेम बुक है, सबके पास हर एक चीज सेम होगी,
लेकिन गाइस सबके पास सेम बुक है तो टॉप कौन करेगा, किनको ये कॉलेजेस मिलने वाले हैं जो अलग तरीके से पढ़ता है। सो यू हैव टू स्टडी डिफरेंटली, आपको अलग सोच से पढ़ना है। जिन लोगों मेरे दो लेक्चर्स बैठे हैं उनको पता है कि अलग सोचना क्या होता है, राइट? अलग सोचना क्या होता है उन सबको पता है कि किस तरीके से आप अलग से सोचते हो, क्या करते हो, ठीक है। लेकिन आज सब लोग कॉमन है तो आज सोच के ऊपर लेक्चर नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। हम लोग वो इमेजिनेशन थॉट प्रोसेस उसके ऊपर का लेक्चर नहीं रखेंगे, आज हम लोग लेक्चर रखेंगे मैथ का, क्योंकि मुझे पहले चेक करना है। मैं आज चेक करूंगा कि आपको कितना मैथ आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्केलर एंड वेक्टर। तो अभी से अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ है गाइस, कितना हुआ 12:40, ठीक है, मैं 12:30, तो आज वैसे 12:30 से चालू हुआ, सवा घंटा लूंगा, थोड़ा सा 1:45 तक जाएगा, ठीक है गाइस, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, आज पहला दिन ही इसीलिए, क्योंकि आज पहले दिन में मैंने इतनी सारी चीजें बताई तो टीचिंग पार्ट मेरा रहेगा। नीट के लिए भी यही बुक्स, नीट के लिए भी यही करेंगे, हमारा मॉड्यूल्स अलग से रहते, ठीक है, वो तो आप बाद में बात करेंगे अपन, अभी के लिए अपन स्टार्ट करते हैं गाइस, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द बुक्स आपको सबको व्हाट्सएप या सेकंड थर्ड लेक्चर में बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। वापस लिखा रहा हूं, एच सी वर्मा डीसी पांडे, एच सी वर्मा एंड डीसी पांडे दिमाग में डाल दो, और मॉड्यूल सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे भी आपको अभी पहले शीट आएगी, पहले डेढ़ दो महीने की, ठीक है, डेढ़ दो महीने की शीट डायरेक्टली आ जाएगी आपको, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद स्केलर एंड वेक्टर गाइस, स्केलर वेक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, टॉपिक का नाम आप आपके बुक में लिख दो। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर मुझे कुछ चीजें आपकी चेक करनी है, ठीक है। चलो तो पहले बेसिक, हमने क्या आपको बोला था, आप टेंथ में हो, आप इस लेवल पे हो, आप इस लेवल पे जाना है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। अब आगे का आधा पौन घंटा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, 40-45 मिनट, आपको लगेगा सर आप मैथ अलग से क्यों पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन आपको समझ में आएगा कि अपनी टीचिंग स्टाइल अलग कैसे है, हमारी टीचिंग स्टाइल अलग कैसे है, ये आपको दो लेक्चर में पता चल जाएगा, आज का लेक्चर और अगला लेक्चर। नो डाउट स्केलर वेक्टर कुछ कुछ लोग को डिफिकल्ट जाने वाला है, जिन लोग का मैथ वीक है, किस किस को लगता है कि मैथ वीक है, हैंड रेज कर लो जरा एक बार, कुछ लोग का हैंड अभी तक रेज दिए भाई, पहले डाउन कर लो आप लोग, कितने लोग को ऐसा लगता है कि तुम्हारा है जो मैथ से वो वीक है, खास करके नीट वालों को तो लगता ही होगा, जो लोग को मेडिकल की तरफ जाना है उनको तो लगता है कि भाई उनका मैथ वीक है, राइट। तो जिन लोग का मैथ वीक है उनके लिए हम अलग से लेक्चर रखने वाले, मैथ फाउंडेशन आपको अलग से लेक्चर बैठने पड़ेंगे, ठीक है गाइस, जिन लोग का मैथ वीक है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो लेट्स स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे वैलिड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सो लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस इज ए, द लेंथ ऑफ दिस इज बी, तो मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ कितनी होगी, सी इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या, इतना पहले बात बताओ, ये आपको पता है कि नहीं है भाई, ये पता है ना आपको, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, राइट। चलो ठीक है, तो ये सपोज हो गया, तो मुझे बताओ, ठीक है फटाफट बताओ मुझे, कैलकुलेट करके आपको आंसर लिखना है, आपको आंसर लिखना है चैट बॉक्स पे, ठीक है, और आपके बुक में भी लिखना है। मुझे बताओ सपोज इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 6 है, तो मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, बताओ इसकी लेंथ कितनी है, कैलकुलेट करो फटाफट, इसकी लेंथ 5, इसकी लेंथ 6, बताओ मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, नहीं नहीं कैलकुलेट करो गाइस, कैलकुलेट करो, गाइस 7 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, जो लोग बाकी लिख रहे हैं ठीक है वो सही लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम मैं चेक कर रहा हूं आपको, ठीक है, नहीं अंडर रूट में आंसर रखो, वो अंडर रूट का वो पॉइंट में निकालने का जरूरत नहीं है, पॉइंट में निकालने का जरूरत नहीं है, कुछ लोग एकदम पॉइंट में भी निकाल रहे हैं, उसका जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, कैसे करोगे,
इसकी लेंथ मुझे पता नहीं है, हाइपोटेन्यूस है तो इसका लेंथ कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ क्या भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर कितना है, कितना है फाइव स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ दिस राइट, फाइव स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 + 36 गाइस, अंडर रूट ऑफ 25 + 36 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 61, अंडर रूट ऑफ 61, तो मैं आंसर रखूंगा अंडर रूट रूट 61 यही रखूंगा, समझ में आ रहा है, लो का हो चुका होगा, देखो कुछ लोग मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, बेसिक से जाके अच्छे लेवल पे जाने वाले आज हम लोग, अच्छे लेवल पे जाने वाले, ठीक है, आज भी मेरा लेक्चर है, कल भी मेरा लेक्चर है, दो लेक्चर मेरे होंगे, दो लेक्चर में आप स्केलर वेक्टर बहुत अच्छे सीख जाओगे, आपको समझ में आएगा क्या होता है जेईई नीट, क्या होता है सीईटी, ठीक है, गलतियां मत करो, गलतियां मत करो, अब मुझे बताओ, चलो अब मुझे बताओ यहां पे, जो मैं लिख रहा हूं प्रॉपर ध्यान से सुनो, इसकी लेंथ है 7, इसकी लेंथ है 4, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखो यहां पे मैं ना मैं ट्रायंगल ए बी सी वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं ना, आपको समझ में आना चाहिए कि जेईई नीट में फर्क क्या है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करो, जो आप चैट पे आंसर्स लिख रहे हो हम लोग हर एक को चेक कर रहे हैं कि किसको कितना पता है, गाइस किसको कितना पता है, देखो फाउंडेशन कोर्स हम लोग फ्री में दे रहे हैं, मतलब ये फाउंडेशन कोर्स अपना फ्री में है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स, जो लोग हम सिलेक्ट करेंगे आप में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे उनको ही पढ़ाने वाले हम लोग बाद में, तो प्लीज थोड़ा सा सोच के आंसर दो, ठीक है गाइस, थोड़ा सा मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो इसकी लेंथ में मानता हूँ x, इसकी लेंथ में मानता हूँ x, तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, क्या करते हैं, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इक्वल टू क्या, सेवन स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं ना अपन गाइस, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ क्या आ गई, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर क्या होगा, 49 माइनस 16, कितना आंसर आया इसका, 49 माइनस 16 कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 30, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 33, देखो जिन लोगों का इतना, ये भी मैथ्स वीक है, कुछ लोगों को ये भी सपोज नहीं आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने 7th 8th 9th में पढ़ा है वो भी आपको नहीं आ रहा होगा, प्लीज आपको मैथ फाउंडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को नीट जैसे एग्जाम देनी है, नाटा जैसे एग्जाम देनी है, आपको सीईटी देनी है, ठीक है, तो आपको फाउंडेशन मैथ का करना पड़ेगा, जो मैं आतिफ सर को बोलूंगा और अलग से आपको एक लेक्चर लगवाऊंगा मैथ का, फाउंडेशन का, तो आपको क्या करना है, सपोज जो भी आपके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, विशाल सर आपका कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, सागर लंके सर कर रहे होंगे, उनको आपको क्या मैसेज करना है कि सर आई नीड मैथ फाउंडेशन, आई नीड मैथ फाउंडेशन, ऐसा करके डाल दो, ठीक है, मैसेज डाल दो, चलो तो पाइथागोरस का रिवीजन हो चुका है, सो लेट्स मूव इट, ठीक है, ये सब कुछ चीज स्केलर वेक्टर में लगने वाली है, ऐसा मत समझो मैंने स्केलर वेक्टर हेड डाला और मैं पढ़ा रहा हूँ पाइथागोरस, नहीं, मैं पाइथागोरस क्यों पढ़ा रहा हूं, मैंने क्या बोला आपको, हर एक चीज आपको लगने वाली है कहां पे, स्केलर वेक्टर में, कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं हम जेईई पढ़ाते हैं, हम आईआईटी का पढ़ाते हैं, हम नीट का पढ़ाते हैं और एकदम अपर लेवल से स्टार्ट करते हैं, लोग डूबते हैं उसके वजह, हम एकदम बेसिक से जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप बाकी लोगों से अच्छा करोगे, ठीक है, चलो अब सेकंड चीज, सब लोग यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो, मुझे पहले एक तो बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री सबने सुना है, ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री कहां पे वैलिड होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज वैलिड इन विच, इन व्हाट ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अब मुझे होता है दिस एंगल इज थीटा एंड लेट्स से द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज एल, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड, सो नाउ व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज
अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या, अरे भाई साइन जरा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बिल्कुल हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड है कितना निकालना है मुझे, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, एल है। तो कोई बोल सकता है कि अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी आई, अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी आई, ये एल को इधर लेके जाओ, एल इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या गाइस, पहले वो बताओ ये मैंने क्या लिखा, समझ में आया, साइन थीटा। तो अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है, एल इंटू साइन थीटा, एल इंटू साइन थीटा, सिंपल। ये इसको इधर लेके गया, ठीक है। तो कोई भी बोला सर अपोजिट साइड कितनी होती है, तो एल इंटू साइन थीटा। तो कोई बोल सकता है क्या एडजेसेंट साइड कितनी होगी, तो कॉस थीटा क्या होता है, व्हाट इज कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, जिससे हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड जो मुझे निकालनी है डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है एल। तो अब मुझे तो एल को यहां पे लेके जाओ, एल को यहां पे लेके जाओ, तो व्हाट इज एडजेसेंट साइड, अरे हाइपोटेनियस एल है ना यहाँ पे, हाइपोटेनियस की तो लेंथ दी है मैंने, देखो ना हाइपोटेनियस एल दिया है, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या दिखेगा, एल इंटू क्या, एल इंटू क्या, कॉस थीटा, एल इंटू कॉस थीटा बिल्कुल। तो मुझे एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितनी आई, एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। दिमाग में आया क्या, पहले मुझे बताओ, अब याद रखो है, याद रखो क्योंकि पूरा स्केलर वेक्टर में बहुत काम में आने वाला है। एक मिनट, वॉल्यूम कम हो गया क्या, मेरा वॉल्यूम कम हो गया, मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर या वॉल्यूम कम हो गया, आवाज प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है आवाज गाइस, प्रॉपर आ रहा है आवाज, शायद से वो अंदर कॉल आता है तब आवाज कम हो जाता है, मुझे व्हाट्सएप कॉल आया था इसलिए वो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है एल साइन थीटा, एडजेसेंट लेंथ की वैल्यू कितनी है, एडजेसेंट कितना है गाइस, एडजेसेंट कितना है एल कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। की लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो कभी भी थीटा के बाजू वाला क्या लिखने का, L cos थीटा, थीटा के सामने वाला क्या लिखने का बताओ, थीटा के सामने वाला क्या लिखेंगे, L sin थीटा, बस याद रखो L cos थीटा, L sin थीटा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सिंपल सिंपल, मतलब मैंने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जैसे इसकी वैल्यू, इसकी एंगल A, ये लेंथ इसकी 8 है और इसका एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ बाजू वाला क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, थीटा के बाजू वाला ऑलवेज कितना, 8 कितना, cos 30, याद रखो 8 इंटू cos 30, थीटा के सामने वाला, 30 के सामने वाला क्या रहेगा, 8 sin 30, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है ये चीज, एल 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 की वैल्यू 8 है ना भाई, यहाँ पे एल की वैल्यू 8 है ना। अब ये 8 सेंटीमीटर 8 मीटर वगैरह सब मत सोचो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। तो एक काम करो, फटाफट इसको लिखो, इसको लिखो क्योंकि सब काम में आने वाला है, इसको लिखो, इसको लिखो गाइस, क्या बोला मैंने, इसमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी लेंथ एल है, एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा के सामने वाला अपोजिट एल साइन थीटा होता है, थीटा के बाजू वाला एल कॉस थीटा। So always remember, if any right angle triangle is given, if this is L and this angle is theta, then always the side which is adjacent to theta is L cos theta. ठीक है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, L sin theta होगा। तो ये लिख दिया मैंने L cos theta, ये लिख दिया मैंने L sin theta। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है guys? Guys, इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है चलो एक काम करो, पहले फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखो आगे बढ़ते हैं।
ये सब इलेवंथ का पार्ट है गाइस, ये सब इलेवंथ का पार्ट है। इलेवंथ स्टैंडर्ड चालू हो चुका है तुम्हारा, इलेवंथ की पढ़ाई चालू हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं नहीं स्क्रीनशॉट ले लो या पहले लिखो तुम लोग, देखो लिखने की आदत डालो अभी। गाइस मैंने आपको जैसे बोला था स्क्रीनशॉट लेके कुछ फायदा नहीं है, आपको क्या करना है लिखना है, स्टार्ट राइटिंग। नहीं लिखोगे समझ नहीं आ गया, तुम्हारा टेंथ नहीं है जिसमें आप आराम से बैठे हो सर पढ़ा रहे आराम से बैठे हो, नहीं इसमें आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुमको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो इजी है तो हमको आता है, कुछ लोग बोलेंगे ये तो सर हमको आता है, ठीक है तो ये क्यों लिखे। नहीं अभी धीरे 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 अपन लेवल बढ़ाएंगे, अपन ऊपर 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 जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू मैं, लिख के हो गया तुम्हारा सबका, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो। स्क्रीन में थोड़ी ब्लर है क्या कुछ, शायद से मुझे लगता है जिन लोगों का ये नहीं रहेगा इंटरनेट उनके लिए स्क्रीन थोड़ी ब्लर होगी, जिन लोगों का इंटरनेट थोड़ा सा मतलब कम रहेगा। इंटरनेट जो है अच्छे से रखो आपका, ठीक है। हाँ तो जिन लोगों को ब्लर है ना उन लोग के लिए बात कर रहा हूं मैं, जिन लोगों को ब्लर है उन लोग के लिए, कुछ लोग का एकदम क्लियर है कुछ लोग की ब्लर है, ठीक ठीक है। जो ब्लर है उनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, हम लोग ने एक मास्टर क्लास का चैनल रखा हुआ है, उस मास्टर क्लास के चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग भी आएगा तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो जिनको समझ में नहीं आया, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एकदम सिंपल सा, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे सब लोग देखो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। साइन 30 कितना होता है, व्हाट इज साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, याद करो साइन 30 कितना होता है, 1/2, बिल्कुल। साइन 60 कितना होता है, √3/2, लिखो ये चीज भी लिखो। अब एक काम करो ना, इस एक पेज में ना अलग से लिख के रखो ये चीज, क्योंकि ये अपने को पूरे अभी 2 साल में काम में आने वाले काफी सारे, ठीक है। √3/2, √3/3 नहीं, √3/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। गाइस ध्यान में रखना, ये मैथ्स के सर भी आपको पढ़ाएंगे लेकिन अपने को फिजिक्स में भी लगने वाला है, इसलिए मैं लिख के रखता हूँ, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, 1। एंड साइन 0 कितना होता है, ऊपर लिखता हूं, साइन 0 कितना होता है, 0, ठीक है। चलो अब ये साइन का तो हो गया, अब मुझे एक बात बताओ कॉस, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, अरे नहीं भाई 1/√2 नहीं होता, कॉस 30 इज √3/2। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, ठीक है। कॉस 45 कितना होता है, अब याद रखो एक चीज, ठीक है, 1/√2। एंड कॉस 90 कितना होता है, 0। जिसकी याद नहीं है, जिसको याद नहीं है याद रखो गाइस, जिसको याद नहीं है याद रखो, जिसको याद नहीं है याद रखो, ठीक है, ठीक है। साइन 53 वगैरह याद है आपको, साइन 53, कॉस 53 कितना होता है, 53 डिग्री वाला कुछ किया आपने कभी, 53 डिग्री वाला किया आपने, 53 37 डिग्री वाला, चलो कुछ लोगों ने किया है कुछ लोगों ने नहीं किया, अब नहीं बताऊंगा मैं, जब अपना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जब आएगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है, जब अपना क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, चलो अब क्या करो, जो पिछले बार मैंने जो बताया इसको और इसको अप्लाई करो, लॉजिक को अप्लाई करो और मुझे बताओ एग्जांपल 1, फटाफट आप बताओगे मुझे। अब ऐसा पकड़ लो कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये साइड लेंथ 10 है, तो मुझे बताओ 10 है एंगल 60 है, क्या बताया मैंने, इसकी लेंथ कितनी होती है, बाजू वाले की लेंथ कितनी होती है भाई, इसकी लेंथ कितनी होती है, रेड कलर में लिखता हूं चाहिए तो 10 कितनी, 10 कभी भी एंगल के बाजू वाला 10 cos 60 कितना होता है, 10 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है, 10 into half which is equal to कितना, 5, समझ में आ रहा है क्या, तो इसकी लेंथ होगी 5, इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 कितनी होगी, sin 60, 10 sin 60 कितना होता है, 10 sin 60, 10 into कितना,
10 इंटू रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, तो रूट थ्री बाय टू करेंगे, गया यहां पे पाई रूट थ्री, समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी लेंथ आई पाई रूट थ्री, इसकी लेंथ आई पाई, इसकी लेंथ आई पाई, इसकी लेंथ आई पाई रूट थ्री, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, करो आप ये फटाफट करो, इसका आंसर आप ढूंढो। चलो एंगल 60 डिग्री है और ये लेंथ है 12, तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान में रखना ट्रिग्नोमेट्री इज वैलिड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बहुत फेवरेट होता है। ये 12 है, तो मुझे बताओ साइड लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, बताओ फटाफट, साइड लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, बताओ फटाफट, साइड लेंथ एंड अपोजिट लेंथ दोनों, फटाफट आंसर बताओ, निकालो और लिखो। तो आपको फिजिक्स भी समझ में आएगा, आज मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं गाइस, आज मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं, आज मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं, आज मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। और सबको ही लिखना है, सारे के सारे वैल्यूज लिखना है, टेबल बनाओ और लिखो। मैंने आपको जैसे बोला नोट्स लिखना चालू करना है, नोट्स लिखना चालू करो, ठीक है, नोट्स लिखना चालू करो गाइज। ठीक है, ठीक है, बताओ मुझे क्या करोगे इसमें, ये 12 है, एंगल 60 है, 12 है, एंगल 60 है, इसका क्या होगा, एंगल के बाजू वाला 12 cos 60 लेंथ, 12 cos 60, 12 cos 60 मतलब क्या, 12 इंटू हाफ इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा, 6, ये हो जाएगा 12 sin 60 कितना होगा, 12 इंटू कितना, रूट थ्री अपॉन टू, कितना होगा यहाँ पे, 6√3, समझ में आ रहा है, इसको हम लोग ने लिखा 6, इसको हम लोग ने लिखा 6√3, कोई पंगा है गाइस, पंगा है कोई, समझ में आ रहा है सबको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो तुमको एक तो बात समझ में आ चुकी है, तुमको एक तो बात समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से, अब देखो मेरा कल भी लेक्चर है, मेरा कल भी मेरा 12 to 1:30 लेक्चर है, कल भी है, सपोज आपको लिंक नहीं आया गाइज, आपको लिंक नहीं आया ना तो पूछो, ठीक है, आज और कल में बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन लोग को ब्लर दिख रहा है, वापस मैं बोल रहा हूँ, जिनको ब्लर दिख रहा है, शायद से आप लोग का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो इंटरनेट बचाओ, रात को वो सब पिक्चर मत देखो, गेम मत खेलो, इंटरनेट का वो जो होता है 1.5 GB, सपोज जियो लेंगे तो जियो, या फिर वाईफाई होगा तो अच्छी बात है, वाईफाई नहीं होगा तो प्लीज वाईफाई लगाने की कोशिश करना, ठीक है, जो भी है, लेकिन लेक्चर्स को मिस मत करना, हर एक लेक्चर आपका बिल्डअप, फाउंडेशन बिल्डअप करेगा, ठीक है, तो लेक्चर को मिस करोगे बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपका, और वापस हमारे ऐसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे नहीं, वापस बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लिखो इसको, ये लिख के हो गया आपका, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इन सारे वैल्यूज को लिखो, इवन इफ यू गाइज नो द वैल्यूज प्लीज राइट इट डाउन, लिखो, ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं मैं लिखने के लिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं लिखने के लिए, लिखो। टैन वगैरह की अभी जरूरत नहीं है, वो बाद में देख लेंगे, टैन और कॉट वगैरह की जरूरत नहीं है, अभी जितना काम का है फिजिक्स में उतना ही कर रहे हैं। मैथ्स के सर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला है, मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो मैं तो, मुझे तो स्केलर वेक्टर पढ़ाना है, लेकिन स्केलर वेक्टर में कुछ मैथ्स रिक्वायर्ड है, वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं पहले, ठीक है। अब हमको देखना है किसके अंदर दिमाग है, ठीक है गाइस, जो इन तीनों दिन क्वेश्चन का सही आंसर देगा, मैं अभी एक 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मैं अभी आपको 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं गाइस, 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो इस 3 क्वेश्चन का सही आंसर देगा पहले तीनों दिन क्वेश्चन का, ठीक है, उसको इनाम मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा मतलब क्या, उसके नंबर पे 500 रुपीज अभी पेटीएम करेंगे हम, ठीक है, जिसका और जो सबसे पहले करेगा, ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको इनाम क्या, 500 रुपीज का इनाम मिलेगा आपको,
ठीक है गाइस, आपका नंबर लिख देने का, पेटीएम में आपको मिल जाएगा, पेटीएम है आपका, जो तो नहीं होगा तो जिसका पेटीएम है उसका कर लो या जीपे कर लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो सब लोग, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ठीक है। 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज के क्वेश्चन है, तीनों तीन क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है, तीनों तीन क्वेश्चन। अरे पहले ही मत डालो यार पेटीएम नंबर, पहले आप आंसर तो दो उसके बाद मैं पूछूंगा, पहले ही डाल दिया मतलब कॉन्फिडेंस है क्या कि तू देने वाला आंसर। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वन, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग दिमाग लगाना पड़ेगा, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अरे पहले ही मत डालो नंबर, रुको, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट हुआ एक पार्टिकल, एक एक अपनी कार है, कार एक कार जा रही है, ठीक है। तो पहले वो ऐसे गई, फिर वो ऐसे गई, ठीक है। तो पहले वो गई कुछ अराउंड 5 मीटर, फिर यहां से उसने टर्न मारा, राइट एंगल टर्न मारा, मैं 5 मीटर नहीं लिखता, 5 मतलब समझ जाओ वो मीटर है, ठीक है। और फिर यहां से गई वो 8 मीटर, यहां पे पहुंची, ए से निकली बी पे पहुंची। एग्जाम्पल टू, एक कार निकली यहां से, सब लोग यहां पे देखो, कार निकली यहां से, पहले गई आगे 4 मीटर, फिर उसने टर्न मारा ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा राइट एंगल इसमें टर्न मारा, इधर गई कुछ 5 मीटर, फिर यहां पे उसने वापस टर्न मारा, इधर गई वो 3 मीटर, ठीक है, और फिर यहां पे वापस टर्न मारा और यहां पे गई वो 1 मीटर, कहां पे पहुंची, ए से निकली बी पे पहुंची। और थर्ड एग्जांपल में, कार निकली यहां से, पहले गई वो 6 मीटर, फिर उसने टर्न मारा 120 डिग्री का, देखो यहां पे टर्न देखो क्या मारा है, 120 डिग्री का, और यहां पे गई 10 मीटर, निकली ए पहुंची बी, ठीक है। कई तुम लोग ने एक टर्म पढ़ा है, टर्म दो टर्म्स पढ़े, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है तुमने गाइस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है तुमने, डिस्टेंस क्या होता है गाइस, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, सबका एडिशन राइट, मतलब पहले वो 5 मीटर गया फिर 8 मीटर गया, तो 5 + 8 ये होता है डिस्टेंस, तो 5 + 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 13। मुझे बताओ ये जो होता है ए टू बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई किसी को पता है इसको, ए बी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली व्हेन यू कनेक्ट ए एंड बी क्या बोलते हैं स्टम को, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी, डिस्प्लेसमेंट राइट, यस। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्टली ए टू बी, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्टली ए टू बी। मुझे फाइंड आउट करना, फाइंड द लेंथ ए टू बी, फाइंड दिस लेंथ ए बी इन 1, 2, 3, तीनों तीन क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, आपका टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है, 5 मिनट के अंदर जिनके तीनों तीन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पहले, उसको 500 रुपीज का इनाम मिलेगा, ठीक है, लॉकडाउन में आप पैसा कमाने वाले हो मेरे इलेक्शन में। और रूट्स में आंसर मत डालो, रूट में सॉरी रूट में आंसर लिखो, वो पॉइंट में आंसर मत डालो, रूट में आंसर लिखो। वैल्यूज है, देखो वैल्यूज है, पहले में इधर का 5 है इधर 8 है, 5 और 8, सेकंड में 4 है 5 है 3 है और 1 है, जिनका स्क्रीन ब्लर है उनके लिए बोल रहा हूं मैं, थर्ड में 6 है एंड 10 है, 6 है और 10 है, पहले में लास्ट में 6 और 10,
ओ सॉरी सॉरी मैं म्यूट हूँ, सॉरी सॉरी, ठीक है, तीनों दिन का आंसर एक साथ दो आप। कुछ कुछ लोग का आंसर आया है, मेरे को चेक करने दो। पांच मिनट हुआ नहीं है, पांच मिनट हुआ नहीं, उसके बाद मैं चेक करूंगा, ठीक है। मैं सारे चैट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे गाइस, सारे चैट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे। तो गाइज आपका जो टाइम है, ठीक है, वो अभी समाप्त हो चुका है, अब मुझे चेक करने दो, ठीक है। जिन लोग के, एक मिनट मेरे को चेक करने दो गाइज, कितने लोग का क्या आंसर आया है, एक मिनट, ठीक है। रुको रुको, अभी पेटीएम मत डालो ना, मैं बोलूंगा उसका नाम ना, क्योंकि मुझे पहले देखना पड़ेगा कि किसको किसने पहला किया है। सबको नहीं मिलने वाला, जिन्होंने पहला किया उसको ही मिलेगा, सिर्फ एक को ही मिलेगा वो 500 रुपया, जिसने किया है पहले, मुझे देखने भी तो पहले किया है कि नहीं किया है। चलो अब एक काम करो, सब लोग एग्जाम्पल थ्री का पहले आंसर डालो, एग्जाम्पल थ्री का सब लोग आंसर डालो, फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में एग्जाम्पल थ्री का आंसर डालो, एग्जाम्पल थ्री का आंसर डालो, सब लोग। एग्जाम्पल थ्री का आंसर डालो, फिर मुझे देखने दो कौन सही डालता है। एग्जाम्पल थ्री का गाइस आंसर चाहिए मुझे।
पहले तो सब लोग हैंड डाउन कर लो भाई, सब लोग हैंड डाउन कर लो, सब लोग हैंड डाउन, तीन चार लोगों का हैंड रेज है, हैंड डाउन कर लो। सॉरी मैंने गलती से अलाउड टू टॉक कर दिया आपको। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। गाइस गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो जो लास्ट का जो क्वेश्चन है ठीक है, उसका आंसर है अंडर रूट ऑफ 196। कैसे बताऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा मैं, एक का आया है विश्वास बोराडे का शायद से, मुझे लगता है आया है ठीक है कि आंसर। अरे अभी तुम सब लिखना चालू करोगे, मैंने मेरे पास पूरे चैट थे ऑलरेडी तुम्हारे, मैं चेक करूंगा और चेक करने के बाद ही मैं ये 500 रुपए उसको ट्रांसफर करूंगा ठीक है गाइस। रूट 190 इक्वल टू 14, जिसका पहला आया हुआ है मेरे को चेक करना पड़ेगा ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कैसे किया गाइस, कैसे किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो कैसे किया। पहले मुझे बताओ पहला क्वेश्चन कुछ है क्या, देखो एक सिंपल सी बात, अब अपना एक रूल डालो दिमाग में, रूल डालो कोई भी स्केलर वेक्टर का क्वेश्चन, कोई भी स्केलर वेक्टर का क्वेश्चन, देख अभी तक आप पता है आप स्केलर वेक्टर पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं अभी तक पढ़ रहे हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं कनेक्ट करूंगा वो दो लेक्चर और एक लेक्चर होने तो आपको समझ में आएगा, अरे आपने तो स्केलर वेक्टर पढ़ा है ठीक है। गाइस 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 यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना है आपको ठीक है। शायद यश चौहान ने भी लिखा था, मुझे जस्ट देखने दो एक बार कि किसका पहले आंसर आया था, मैं चेक करूंगा गाइज और उसके बाद ही भेजूंगा ठीक है। पहला चीज हमेशा दिमाग में डालना है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करना ही करना है और ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा यूज करना है, तो दो चीज आपको यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम एंड साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अब पहला तो एकदम सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या 5² + 8² काम हो गया तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ 25 + 64 कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ कितना हुआ यहाँ पे, इसका आंसर कितना हुआ, ये 9 हो गया, ये 8, अंडर रूट ऑफ क्या 89, अंडर रूट ऑफ 89, अंडर रूट ऑफ 89 हो गया क्या, हो गया क्या ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल, अब सेकंड एग्जांपल में क्या करोगे, मुझे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम है क्या गाइस, सेकंड में डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ए बी निकालने के, देखो ये डायरेक्ट, देखो स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं है, देखो स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं है, कुछ लोगों ने क्या किया पता है, कुछ लोगों ने सर ये ऐसा करेंगे फिर ये लेन फिर ये, अरे कुछ नहीं, क्यों कॉम्प्लिकेट बना रहे हो गाइस, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इजी बनाना है, इजी कैसे इजी बनाओगे, कैसे इजी बनाओगे, जैसे मैंने आपको बोला कौन आपको बचाता है, आपका भगवान कौन है गाइस, आपका भगवान कौन है, पाइथागोरस, पाइथागोरस आपका भगवान है, तो पाइथागोरस को भगवान है तो पहले राइट एंगल, एक ही ट्रायंगल बनाओ, ओनली वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा गाइस, इसको हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, मैथ का दिमाग लगा के कंस्ट्रक्शन, कैसे बनाओगे कंस्ट्रक्शन, कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन, देखो ये 3 है, थोड़ा सा यहां से ऐसे 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 करो, थोड़ा सा यहां से ऐसे 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 करो, क्या हो गया, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन। अब मुझे बताओ ये 3 है तो मुझे बताओ ये भी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी गाइस, ऊपर वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये 3 तो ये 3, अब मुझे बताओ ये 5 इसमें से 1 गया कितना बचा, कितना बचा, अरे भाई टोटल लेंथ 5 है इसमें से 1 गया कितना बचा, 4। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो लिखो। अब बन गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, देखो अपना बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बड़ा ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में ये 4 + 3 कितना हुआ, 4 + 3 कितना हुआ, ये लेंथ हो गई 7, ये लेंथ कितनी हुई बताओ, ये लेंथ कितनी हुई 4। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक लेंथ 7 है, एक लेंथ 4 है, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे गाइस,
भाई राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ क्या, आंसर क्या हो जाएगा? चलो आंसर लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 प्लस 16, आंसर कितना आया, आंसर कितना आया गाइस? अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ क्या 65, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या गाइस? अभी मुझे बताओ जिन लोगों को नहीं समझ में आया, समझ में आया कि कैसे करना है, होते हैं क्वेश्चन? देखो जेई नीट, देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना यही सब जेई नीट है, जेडब्ल्यू नीट में हम आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है गाइस, ठीक है, खुशियां मनाओ कि आज आपने चालू किया 11 का प्रिपरेशन, सबसे पहले आपने चालू किया, गुड, ठीक है गाइस। चलो अब ये 6, ये 10, अब यहाँ पे लगेगा दिमाग गाइस, यहाँ पे लगेगा दिमाग, क्या करोगे पहले, अब मैंने क्या बोला, दो ही चीजें याद रखनी है, कंस्ट्रक्शन करना है थोड़ा सा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। मुझे बताओ अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो मुझे बताओ, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं काम करता हूं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करता हूं, कुछ होगा क्या इससे, बताओ मुझे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वगैरह कुछ होगा क्या? अरे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कुछ होगा क्या? नहीं होगा, राइट, नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके तो होगा नहीं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे नहीं, समझे, क्योंकि उससे क्वेश्चन ना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, 60-60 ऐसा मत करो, ये 60 एंगल नहीं है गाइस, मतलब कोई बोलेगा सर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं तो ये एंगल 60 हो जाएगा, नहीं गाइस, ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है, किसने बोला एंगल बाइसेक्टर, इसकी लेंथ 6 इसकी लेंथ 10 है, ये नहीं करोगे आप, ये सब नहीं करोगे, इसको रब कर देता हूं, ये सब नहीं करोगे। अब मुझे बताओ मेरे को, मैंने क्या बोला, आपका सबका भगवान कौन है, भगवान एक ही है, पाइथागोरस थ्योरम, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। अब ये ए बी है, मुझे बताओ ए बी किसका हाइपोटेन्यूस है, ए बी जो है वो किसका हाइपोटेन्यूस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या ऑलरेडी, मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं है ना, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, कैसे बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे, सपोज मुझे इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बेस एक्सटेंड करो, देखो ना थोड़ा सा ये इधर एक्सटेंड करो, ये इधर एक्सटेंड करो, देखो यहाँ पे, ये देखो ये ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सपोज कुछ ऐसे किया और मैंने कुछ, देखो ये ब्लू वाला, देखो ब्लू कलर, अब देखो ना बड़ा क्या हो गया, ये बड़ा सा क्या हो गया गाइस, बड़ा सा क्या हो गया, बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, चलो ना इसको ए बी और इसको मैं लिखता हूँ सी, तो अब मुझे तो टोटल ट्रायंगल एबीसी, देखो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, लेकिन क्या आप मुझे बताओ बीसी की वैल्यू पता है तुमको, क्या तुमको इस एसी की वैल्यू पता है, नहीं पता, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, देखो मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको, याद करो ये सब चीजें पढ़ाई थी, पता है इसकी वैल्यू 10 होगी, ये एंगल 60 होगा, तो इधर बाजू वाला क्या होता है 10 cos 60 है, 10 sin 60 याद है कि नहीं है, sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्म क्यों पढ़ाया था मैंने, सब कुछ चीजें क्यों पढ़ाया था बताओ मैंने, सब कुछ चीजें आपको समझने के लिए। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे डालो, ये हो गया 10, तो मुझे होता ये 10 हो गया, तो ये 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये 120 है, तो एंगल कितना हुआ भाई 60, ये 120 तो एंगल कितना हुआ 60 भाई, पता है ना 180 एंगल होता है, 180 माइनस 120। अब मुझे होता ये 10 है, तो बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल, चलो इसको डी देता हूं मैं, ट्रायंगल बीसीडी में मुझे होता ये लेंथ देखो ना हाइपोटेन्यूस 10 है, तो मुझे तो आजू बाजू वाला लेंथ कितना होता है, ये लेंथ की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू कितना cos 60 याद है कि नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 sin 60 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो व्हाट इज 10 cos 60, व्हाट इज 10 cos 60, 10 इंटू कितना हाफ, 10 इंटू हाफ कितना होता है 5, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ 10 sin 60, 10 इंटू रूट 3 बाय 2 कितना होता है, कितना होता है 5 रूट 3, समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे मुझे बताओ ये 5 रूट 3 है, 5 है, अब बताओ ये टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है, ये 6 और ये 5 टोटल लेंथ कितना हुआ, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल लेंथ लिखता हूँ ये ग्रीन में, कितना हुआ टोटल लेंथ 6 प्लस 5 कितना 11। देखो जिसका मैथ्स वीक है, ये लेक्चर वापस रिकॉर्डिंग देखोगे
वापस बोल रहा हूँ, जिसका मैथ्स वीक है, ये रिकॉर्डिंग आज हम लोग अपलोड करेंगे, आपको जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है, जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है उनसे आप ये रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है। 11, ये कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी है, 5√3, ये 5√3 है 11। तो अब मुझे बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या करोगे, 11 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर, कितना आया आंसर, 11 स्क्वायर कितना, 121, 5√3 का स्क्वायर कितना, 5√3 का स्क्वायर कितना, 25 × 3, 75, 121 प्लस 75, अंडर रूट ऑफ 196 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 196 या 14, कोई दिक्कत गाइस, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मैं क्या करूंगा, मेरे चैट बॉक्स बाद में, आपका लेक्चर खत्म होने के बाद चैट बॉक्स में करूंगा, ठीक है। और चैट बॉक्स के अगले लेक्चर में, जिसको भी मेरे को पता चलेगा कि जिसने फर्स्ट आंसर दिया, मैंने क्या बोला, जिसको फर्स्ट आंसर दिया उसको 500 रुपया मिलेगा, जिसने फर्स्ट आंसर दिया उसको 500 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब ये क्वेश्चन वापस इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा, पहले लिखो ये चीज, वापस इसी टाइप का मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जो सबसे पहले देगा आंसर उसको 100 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अभी चलो पहले फटाफट करो, चलो, और सबको पैसा मिलेगा, टेंशन मत लो। जिसका पेटीएम एंड जीपे नहीं है तो पेटीएम एंड जीपे तैयार रखो, पेटीएम या जीपे दोनों में से कोई एक तैयार रखो, ठीक है। ये पहला लेक्चर है तो आपको भी पता चल चुका है, सबका पेटीएम नंबर एंड जीपे लेके रखो, आप पैसा कमाने वाले हो अपने लेक्चर में, ठीक है। लेकिन पैसा कब कमाओगे, जब आपके पास दिमाग होगा, दोनों नहीं है तो फिर लिख के रहेंगे, फिर आपको बैलेंस लिखते जाएंगे कितना क्या है, ठीक है। हम बोलते दोनों नहीं है, और हाँ मैं आपको बाद में ये मतलब पहले दो लेक्चर में आपको मैं कोई भी म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दूंगा, उसके बाद मैं आपको म्यूट एंड अनम्यूट का भी ऑप्शन दूंगा, ठीक है गाइस, म्यूट एंड अनम्यूट का भी मैं ऑप्शन आपको देने वाला हूं। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद है ना, कुछ लोगों को ये लेक्चर याद होगा, यही ये लेक्चर याद है कि नहीं है, कुछ लोगों को ये लेक्चर याद होगा, इसी लेक्चर की पीपीटी में मैं एक्चुअली कर रहा था। हाँ, जिन लोगों का वो लेक्चर अटेंड नहीं हुआ, नहीं किया, अपन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, उन लोगों को वो लेक्चर रखेंगे अपन। चलो जो भी लॉजिक अभी आपने पढ़ा, उसी सेम लॉजिक को यूज करके फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले 3 लोगों को मैं ये इतना इनाम दूंगा, पहले को 200 रुपया, दूसरे को 100 रुपीज और तीसरे को 50 रुपए, ये जो 3 लोग होंगे, ठीक है। और ये आइदर पेटीएम और जीपे होगा आपके लिए, पेटीएम करेंगे या जीपे करेंगे, ठीक है। और तीनों 3 के नाम मेरे को पता होंगे, क्योंकि जो फटाफट सॉल्व करके डालेगा, देखो गलत आंसर डाला पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात, इनाम नहीं मिलेगा आपको। पहले तो ये करेंगे, जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग इनाम आपको कुछ कुछ चीजें पार्सल भी करूंगा मैं आपके घर में, ठीक है। पहले एग्जाम्पल 4, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, सेम है क्वेश्चन, एंगल का फर्क है, ठीक है। आगे आदमी ऐसे गया, स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 8, सॉरी उसने पहले स्ट्रेट लाइन गया ऐसे, स्ट्रेट लाइन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10, ठीक है, 10, और उसने टर्न मारा
और टर्न 120 डिग्री वाला मारा और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 6, तो बताओ ये लेंथ एबी कितनी होगी, लेंथ एबी की वैल्यू कितनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट बताओ, चलो बताओ फटाफट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट लेंथ एबी, बताओ जरा फटाफट क्या होगा। अरे भाई गड़बड़ी मत करो, बोला था मैंने तुमको, एंगल 120 है, एंगल 120 है, मैं देखूंगा कौन फर्स्ट कौन सेकंड एंड कौन थर्ड आया, ठीक है, कौन फर्स्ट कौन सेकंड कौन थर्ड आया बाद में बताऊंगा। अनुज बोलते पैसे दे दो सर, बिल्कुल मिलेंगे, पहले तीन ही लोगों को मिलेंगे पैसे, तीन ही लोगों को मिलेंगे, आपको भी फास्ट होना पड़ेगा बाद में, आपको भी फास्ट होना पड़ेगा बाद में। सबके नाम मुझे पहले देख मुझे देखने दो कौन लोग हैं जिनको पैसे मिलने वाले हैं। अनम, सरफराज, ठीक है, एंड वेदांत, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यश, उसके बाद दिया अनुज, पार्थ, थोड़ा सा वो हो गए। ठीक है, अनम कौन से स्कूल से, जरा बता तू, अनम कौन से स्कूल से है, सरफराज एंड वेदांत कौन से स्कूल सर कहां से हो बताओ। ठीक है, स्कूल का नाम डालो, आपका मोबाइल नंबर डालो, स्कूल का नाम, आपका मोबाइल, ये जो 500 रुपीज वाला क्वेश्चन था उसको मैं देखूंगा क्योंकि वो मुझे पूरा पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, वेदांत शायद से वेदांत वाघ, एक मिनट, ये पता नहीं, एक मिनट देखना पड़ेगा। वेदांत वाघ बताओ कौन से स्कूल से हो बताओ जरा। नंबर भी डाल दो आपका। ये SBI हाई स्कूल, ये जैन और कैम्ब्रिज। ठीक है, आपका नंबर डाल के रखो, आपको मिलते जाएंगे, ऐसे इनाम कमाते जाओ गाइस। चलो यहां पे देखो, अब ये 10 है, 126 है, ठीक है, ये 10 126, क्या करोगे यहां पे, क्या करोगे आप यहां पे, ध्यान में रखना, यहां पे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ये 6 है, ये एंगल 60 डिग्री है, अब मुझे तो ये 6 है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 6 cos 60, समझ में आ रहा है कि भाई 6 cos 60, ये कितना होगा 6 sin 60, मुझे पूरा का पूरा
मेथड चाहिए. व्हाट इज 6 cos 60? 6 cos 60 कितना होता है? 6 cos 60 कितना होता है? 6 cos 60 होता है 3. 6 sin 60 कितना होता है? 6 √3/2 विच इज इक्वल टू 3√3. तो ये 3√3 है 3. तो अब मुझे बताओ ये टोटल लेंथ कितनी हुई? ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हुई? 10 + 3 विच इज 13, राइट? 13. और ये लेंथ हुई 3√3. तो ये हो गया 3√3, ये 13 हो गया. तो अब मुझे एक बात सिंपल सा बताओ, ये क्या होगा? √13² + 3√3² यहाँ पे आंसर आएगा √169 + 27, राइट? तो यहाँ पे √ क्या आएगा? 196 विच इज इक्वल टू कितना? 14. समझ में आ रहा है क्या गाइज? गाइज समझ में आ रहा है क्या? नो प्रॉब्लम वेदांत, नो प्रॉब्लम वेदांत. तेरा नाम लिख के रखेंगे. अब जीपे नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैलेंस बढ़ता रहेगा तेरा, ठीक है? जब भी हम लोग वहां पे ट्रैवल करेंगे बात होती रहेगी. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है गाइज? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है. अब तुमको पता है, तुमको पता है सेकंड लेक्चर में अपन कनेक्ट करेंगे. सेकंड लेक्चर में आपने पता है बहुत बड़ी चीज आपने पढ़ ली ऑलरेडी. आपने बहुत बड़ी चीज ऑलरेडी पढ़ चुके आप, पता है? आपको पता भी नहीं है. स्केलर वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ लिया है. स्केलर वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ लिया ऑलरेडी. आपको पता भी नहीं आपने पढ़ा है. मैं आपको ये सेकंड लेक्चर में कनेक्ट करवाने वाला हूँ कि ये आपने क्या पढ़ा है, ये सब कुछ क्या था, ठीक है? और मैं आपको बोलता हूँ मेथड, मेथड. फिजिक्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूलाज. फिजिक्स में कोई फॉर्मूलाज होते ही नहीं है गाइज. फिजिक्स में कोई फॉर्मूलाज नहीं होते. फिजिक्स में क्या होती है? मेथड होती है. आपको मेथड पता चल गई ना, अब बड़े बड़े आईआईटी के एग्जाम्पल, ठीक है, जो आईआईटी जेई है एग्जाम, जेई एडवांस है, जेई मेन है, ऐसे एग्जाम्पल यू ही क्रैक करोगे. नीट के एग्जाम्पल, सीट के एग्जाम्पल तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन इसमें मैं बताया ना, मैंने अब बाद में कनेक्ट करूंगा. आपको पता है कि आज मैंने लेक्चर जो है पहले स्टार्टिंग में 15-20 मिनट तो मैंने आपको सिर्फ बताया, फंडे दिए, पढ़ाया नहीं, राइट? तो थोड़ा सा अब मैं काम करता हूँ, व्हाट इज स्केलर वेक्टर, इतना खत्म, इतना करके आगे के 10 मिनट में लेक्चर को खत्म करूंगा. अपन अगले कल वापस 12 बजे मिलेंगे तो अपना एक कनेक्ट रहेगा प्रॉपर, ठीक है गाइस? एक अपना कनेक्ट रहेगा, ठीक है? चलो तो अभी सब लोग यहाँ पे देख लो, सभी यहाँ पे देख लो. देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ. पूरा जेई की जर्नी जो होती है ना, जेई की एंड नीट की, आप अपने साथ मजा करोगे. मैंने आपको क्या बोला, हमारा टीचिंग थोड़ा सा अलग लगेगा, आपको मजा आएगा. देखो जब आपको पढ़ने में मजा आएगा, अरे तो ही तो पढ़ोगे. पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा तो फायदा क्या है? कोई आपको एकदम बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा होगा जी जेई नीट, तो फायदा क्या है? फिर तो डूबोगे आप, ठीक है? तो आपको ना मजा करके पढ़ना है. मजा करके पढ़ोगे तो ही मजा आएगा और तो ही आप ये एग्जाम्स को क्रैक करोगे, ठीक है? अब बोरिंग नहीं बनना है, ठीक है? आपको अलग अलग स्टोरी भी सुनाऊंगा, टेंशन मत लो. अपने लाइफ की स्टोरी, सर के लाइफ की स्टोरी, ठीक है? तो चलो अब यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो. चलो अब हम लोग करते हैं व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, ठीक है? तो स्केलर एंड वेक्टर, ये टॉपिक का एक टॉपिक लिख देता हूँ अपना. यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जो अभी तक पढ़ा है वो स्केलर वेक्टर ही पढ़ा है. मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा. अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, किसी ने सुना तो होगा भाई. व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज स्केलर, स्केलर क्या होता है? स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपने बोला है, जो जो लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में. स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज व्हाट, विच हैज व्हाट भाई, वेक्टर के अंदर क्या होता है? बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन. ठीक है, बताएंगे क्या है बताएंगे, ठीक है? अब मैं एकदम सिंपल सा बात बोलता हूँ, व्हाट इज मैग्नीट्यूड. अब मैं एकदम सिंपल सा बात बोलता हूँ गाइज, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ठीक है गाइज, यहां पे देखो, एकदम यहां पे देखो. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल, फिर बाद में अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको, टेंशन मत लो. लेंथ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? लेंथ. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ, लेंथ. ठीक है,
अब मुझे तो लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है क्या? लेंथ कभी निगेटिव होती है क्या? किसी ने बोला है क्या, अरे इसकी लेंथ ना -2 मीटर, ऐसा होता है कभी? -2 मतलब क्या, अंदर क्या मतलब, व्हाट इज -2? लेंथ की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? लेंथ की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। लेंथ की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, हाँ तो मैं बताऊंगा। तो मैंने इसका मतलब होता है लेंथ। वेक्टर के अंदर क्या होता है पता है? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी होगा, और आपको पता है डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एंगल, पता है ना डायरेक्शन कैसे, अरे इस एंगल में जा, उधर एंगल में जा, इस एंगल में जा, एंगल डिफाइन करते हम लोग। ठीक है, तो मैं लिख के रखता हूँ। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंथ मैंने बोला है, नंबर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा स्केलर वेक्टर हम लोग पढ़ते क्यों है। ठीक है, स्केलर वेक्टर पढ़ते क्यों है? देखो सिंपल सी बात है, फिजिक्स में ना बहुत सारी क्वांटिटीज आने वाली, जैसे मैंने आपको बोला स्केलर वेक्टर एक्चुअली मैथ का चैप्टर, बट दिस मैथ इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। इस मैथ के बिना फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाओ, इस मैथ के बिना फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो अब यहां पे सब लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। ऐसा पकड़ लो, ये है अपना मुंबई, मैं हूं मुंबई में, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे औरंगाबाद वाले, कुछ लोग नासिक वाले, अपन बैठे हैं, चलो आप लोग बैठे हैं औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद थोड़ा दूर है औरंगाबाद, ठीक है, या आजू बाजू में कोई जगह होगी वहां से होंगे आप। मैं मुंबई में हूँ, आप औरंगाबाद में हो, अब मुझे बताओ अपने को मुंबई से निकल के जाना है औरंगाबाद, कैसे, कितने पास होंगे, कितने वे से आप जाओगे मुंबई से औरंगाबाद? आपको मुंबई से औरंगाबाद जाना है, कहाँ कहाँ से जाओगे बताओ मुझे ना, कितने पास होंगे? किसने बोला सर कितने पास होंगे मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए, मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए कितने पास होंगे? अरे भाई बहुत पास होंगे, ऐसा मत बोलो रोड से जाओगे, बिल्कुल रोड से ही जाओगे, रोड के भी बहुत सारे पास होंगे। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा जाऊंगा इस पास से, कोई बोलेगा सर मैं ऐसा जाएगा, कोई क्या बोलेगा सर ये जो एरिया पागल होगा वो बोलेगा सर मुझे मुंबई जाना है, चलो एक काम करते पहले जाते अहमदाबाद, अहमदाबाद से जाते इधर, इधर से जाते इधर, नागपुर से जाते औरंगाबाद। कोई एड़ा पागल देखो ऐसा घूम घूम के आ, देखो ना, अरे भाई बहुत सारे पास हैं, बहुत सारे पास हैं मुंबई से औरंगाबाद जाने के, बहुत सारे पास हैं। मुझे बताओ ये पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3। कोई बोला पास नंबर 1 का लेंथ मतलब मेनी मतलब कितना, इनफाइनाइट, मेनी का मतलब क्या है? सो देर आर बेसिकली कितना पास, इनफाइनाइट पाथ टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद, समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट पाथ। अब पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3, चलो सबका, मैंने बोला पास नंबर 1 से गए आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस, अब यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो मुझे होता कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखता हूँ डिस्टेंस, पहले पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस पहले पाथ में ट्रेवल हुआ, मैं अभी डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, जो पहले ट्रेवल पहले पाथ में जो गया उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है लेट्स से 500 किलोमीटर, जो दूसरे पास में गया उसने किया 600 किलोमीटर, तीसरे पास में गया उसने तो मस्त किया अपना 2000 किलोमीटर। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस है, जो क्वांटिटी है डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग को क्या लगा, सिर्फ डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या लगा, सिर्फ नंबर लगा, नंबर 500 600 2000, ये नंबर है ना सिर्फ, ठीक है, नंबर लगा मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगी, मतलब क्या लेंथ लगी, लेंथ राइट। तो डिस्टेंस हो गया स्केलर, स्केलर मतलब क्या, सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक नंबर चाहिए, ठीक है, इतना लेंथ है इसका, पहले पाथ का लेंथ 500 है, दूसरे पाथ का लेंथ 600 है, तीसरे पाथ का लेंथ कितना है 2000 किलोमीटर है, खत्म। अब मुझे बताओ मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है, कैसे जाएंगे? आपको सपोज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है तो कैसे जाओगे, सबको पता है वो टर्म, अभी यूज भी किया था अपन ने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद इज डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन गाइस, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसे, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं गाइस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे तो डायरेक्ट शॉर्टेज में जाओगे तो लेट्स से लगेगा 300 किलोमीटर, लिखा है 300 किलोमीटर। चलो अब मेरा क्वेश्चन है गाइस, सब लोग सुनो, मैं मुंबई में हूं। अब मैंने बोला कि चलो मुंबई से निकलते हैं 300 किलोमीटर जाते हैं, क्या मैं औरंगाबाद पहुंचूंगा? मैंने बोला मैं मुंबई में हूं, चलो इधर से निकलते हैं 300 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, क्या मैं औरंगाबाद पहुंचूंगा?
निधि सोच जरा, जयंत सोच, नहीं 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 सोचो सोचो, अथर्व सोचो, मुझे एक बात बताओ, मैं मुंबई से निकला 300 किलोमीटर जाऊंगा, क्या मैं औरंगाबाद पहुंचूंगा? भाई नहीं पहुंचूंगा ना भाई, उल्टा गया तो, अरे भाई मुंबई के बाजू में समुन्दर है, उल्टा गया तो कहां पे पहुंचूंगा? देखो यहां पे गया तो समुन्दर में जाऊंगा, अपने समुन्दर में जाऊंगा मैं, ऊपर गया तो कहां पे पहुंचूंगा? सूरत पहुंचूंगा मुंबई से, नीचे गया तो पुणे पहुंचूंगा। वॉट यू नीड, वॉट यू नीड, डिरेक्शन, बिल्कुल, यू नीड डिरेक्शन ऑल्सो, राइट, यू नीड सम एंगल, तुमको एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, यू नीड डायरेक्शन, मतलब आपको क्या लगे, आपको क्या बोलना पड़ेगा? मैं क्या बोलूंगा भाई, मुंबई से निकलो 300 किलोमीटर जाओ, कुछ इस डायरेक्शन में 30 degree 40 degree डायरेक्शन में जाओ तो पहुंचोगे कहां पे? औरंगाबाद, औरंगाबाद, समझ में आ रहा है क्या? तो वॉट यू नीड गाइज, वॉट यू नीड, आपको क्या लगेगा, आपको डायरेक्शन भी लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान में रखना, यू नीड डायरेक्शन। मैं ऐसा बोलूंगा, एक काम करो, कुछ 30 degree एंगल पे जाओ, 30 degree एंगल पे जाओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, कुछ 30 degree एंगल पे जाओ और 300 किलोमीटर जाओ, तो तुमको क्या लगा? 300 किलोमीटर लगा, मतलब मैग्नीट्यूड लगा। अरे भाई 300 किलोमीटर मतलब क्या लगा तुमको? मैग्नीट्यूड भी लगा नंबर, एंड तुमको क्या लगा? एंगल लगा, एंगल। तो यू नीड लेंथ एंड एंगल, मतलब क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन टू डिफाइन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, टू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? एकदम लास्ट का 5 मिनट बचा गई, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, बिकॉज इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन। देखो मेरे 4 लेक्चर स्केलर वेक्टर के हो जाएंगे, तुमको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। एक अराउंड 5 से 6 लेक्चर्स लगने वाले जो हम लोग 2-3 हफ्ते में कर लेंगे, आप पूरा स्केलर वेक्टर में प्रो बन जाओगे, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट, टू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लगा? मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन दोनों लगा। टू डिफाइन डिस्टेंस आपको क्या लगा? सिर्फ डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए क्या लगा? मैग्नीट्यूड लगा। अब मुझे बताओ, अब मैं एक क्वांटिटी पूछता हूं, चलो मुझे बताओ मास क्या है? मास, जो मास बोलते हैं ना हम लोग, तुम्हारा मास, मास क्या है? स्केलर या वेक्टर है? बताओ जल्दी बताओ, मास क्या है? स्केलर या वेक्टर है? अरे सिंपल, देखो क्या सोचने का पता है, मास सोचने का और बोलने का, यार मास को मैं डिरेक्शन जोड़ दूं कुछ होता है क्या? तुम ऐसा बोलते हो क्या, अरे मेरा मास 50 kg है नॉर्थ डायरेक्शन में, मेरा मास 50 kg वेस्ट, ऐसा बोलते? डायरेक्शन यूज करते करते क्या वर्ड? नहीं ना। तो मास इज वॉट? स्केलर। तो मैं यहाँ पे ग्रीन में रखता हूँ, मास इज स्केलर। मुझे बताओ कोई बोलेगा चलो टाइम, टाइम बताओ स्केलर या वेक्टर है? टाइम बताओ स्केलर या वेक्टर है? टाइम सोचो, थोड़ा सोचो टाइम के साथ। ऐसा बोलते हैं कि हम लोग 2 घंटे, 1 मिनट, सॉरी, हाँ ऐसा कभी बोलते क्या? 2 घंटा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में, 2 घंटा, नहीं ना। टाइम को भी भाई डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो टाइम इज ऑल्सो वॉट? स्केलर, स्केलर है, ठीक है, ये सब स्केलर। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ गाइज, 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 मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने एक एक क्वांटिटी पढ़ी होगी, स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बाद में फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में देखेंगे अपन। डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, स्पीड भी क्या? स्केलर। अब अपने और एक टर्म सुना होगा, वेलोसिटी। अभी आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है भाई? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा तो होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो गया? वेक्टर। ये सब बाद में टर्म्स पढ़ेंगे अपन, अभी अभी कुछ दिमाग में मत डालो, अभी सिर्फ ये सिर्फ सुनना है आपको। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर। अब मुझे होता है इतने सारे वेक्टर है अपने पास, देखो ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इतने सारे वेक्टर है आपके पास। लेकिन तुमको पता है क्या वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं? पता है तुमको? तुम लोग को पता है क्या कि दो वेक्टर दिखते कैसे? वो भी नहीं पता कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा वेक्टर दिखता कैसे। सर
राइट, तो तुम लोग को वेक्टर दिखता कैसे वो भी नहीं पता, वेक्टर को ऐड कैसे करते वो भी नहीं पता, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते वो भी नहीं पता, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होगा, कुछ कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। तो बिल्कुल गाइस, तो अब मुझे बताओ इतने सारे फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स इतना सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना सब कुछ आपको पढ़ना है और आपको वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब पूरा फिजिक्स पढ़ना है और आपको पता ही नहीं वेक्टर क्या है, तो आपको वेक्टर के बारे में कुछ जानना जरूरी है कि नहीं है? तो मुझे बताओ आप स्केलर एंड वेक्टर के बिना, स्केलर एंड वेक्टर के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, स्केलर एंड वेक्टर के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलते वेक्टर का मोबाइल नंबर, ठीक है गाइस, इतना लिख दो। सब लोगों को यहाँ पे मतलब मास्टर क्लास का चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें ये लेक्चर में अपलोड करते रहूंगा, ठीक है। यस गाइज, वी आर फ्रॉम मुंबई, हम लोग मुंबई से हैं, मैं मुंबई से हूँ, लेकिन औरंगाबाद एंड नासिक हमारा नेक्स्ट होम है, मतलब हम लोग वहां पे भी क्लासेस लेते, तो हम लोग वहां पे भी आते हैं, अब लॉकडाउन में नहीं आ रहे, वैसे भी लॉकडाउन में कोई भी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है गाइज, पूरा का पूरा प्लान आपको बताएंगे गाइज, ठीक है। नहीं, कॉमर्स का कुछ नहीं है, साइंस का ही है, जिनको कॉमर्स एंड आर्ट्स करना है उनके लिए नहीं है, लेकिन मुझे, मैं तो बोलता हूँ 11 12th में आपको कॉमर्स नहीं करना है, आपको साइंस ही करना है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैनल पे देखना है ये सारे लेक्चर, कौन से चैनल पे सारे लेक्चर्स देखने में आपको बताऊंगा गाइस, जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है गाइस, जल्दी ही मिलेंगे। अपना कल का लेक्चर है ट्यूजडे, कल लेक्चर है अपना 12 o'clock को, ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप लोग इसका नोट डाउन कर लो। जिसको सपोज लिंक नहीं आया, कल 12 बजे की लिंक नहीं आई, सुनो सब लोग, कल को सपोज आपको 12 बजे की लिंक नहीं आई, आपका काम है मैसेज करना रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को, आपका काम है मैसेज करना और लिंक मांगना। कल 12 बजे अपना वापस लेक्चर होगा, 12 to 1:30, आगे की चीजें पढ़ाऊंगा, मजा करके पढ़ो, ठीक है, सिर्फ आपको हफ्ते में 3 to 4 लेक्चर अटेंड करने हैं, मजा आएगा, ठीक है गाइस। मैं अभी आपको एक सागर लंके सर का यहाँ पे नंबर देके रखता हूँ और विशाल सर का, दोनों का नंबर देके रखता हूँ, सपोज आपको लिंक नहीं आई इनको मैसेज करना, नंबर आप लिख के रखो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लो, हाँ दुआ में याद रखना बिल्कुल। चलो सागर लंके सर का मैं आपको नंबर यहाँ पे लिख के रखता हूँ, आपको इनको कॉल करना है, ठीक है, सपोज आपको लिंक नहीं आई तो, ठीक है गाइस, 9044999433, ठीक है, ये सागर लंके सर का नंबर है। और विशाल सर, देखो औरंगाबाद वाले लोग यहाँ पे करेंगे, औरंगाबाद वाले लोग इनको करेंगे, नासिक वाले लोग इनको करेंगे, विशाल सर का, एक मिनट मेरा नंबर आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, नंबर मिलेगा पर्सनल नंबर, ठीक है। ये विशाल का नंबर 0445444774, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और गाइज एक बार जस्ट नासिक वाले लोग हैंड रेस कर लो, नासिक वाले गाइज, सब लोग नासिक वाले लोग हैंड रेस कर लो एक बार, नासिक वाले, हाँ कुछ कुछ लोग के लिए वीडियो ब्लर होगा, अभी नेट खत्म हो गया होगा ना आपका, ये पहले कर लो गाइज, 9044999433, विशाल 7045444774, मेरा नंबर देता हूँ मैं गाइस, मेरा नंबर देता हूँ अभी नहीं, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, पहली फटाफट नंबर नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि मुझे पहले जानने दो कौन लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जिन लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है उन्हीं लोगों को मिलेगा बाद में, ठीक है गाइस। चलो
बाय गाइस, जल्दी मिलते हम लोग कल के लेक्चर में। मैं ये पीपीटी भी भेज दूंगा आपको, ठीक है? आपको ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी आज के लेक्चर की, प्लस आपको मास्टर क्लास के अपने चैनल पे, मतलब आपको मैं यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगा इस वीडियो को अपलोड करके, ठीक है गाइस? बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय कर लो गाइस, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय बाय बाय।